बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में आपको 7 मरला के एक प्रॉपर ब्रांड न्यू डबल यूनिट डिज़ाइनर हाउस का मैं विज़िट करवाऊंगा, जो कि इस टाइम मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। घर की जो लोकेशन है वो है बैरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी, और इस घर की जो डायमेंशन हैं वो है 30x55। 30 इस घर का फ्रंट है जो कि आप सबकी स्क्रीन पर, और 55 जो है इस घर की लेंथ है, लंबाई है। वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है, घर का प्रॉपर विज़िट करेंगे एंड इसी वीडियो में आगे फर्दर घर की डिमांड, फ्लोर प्लान और इसके इंटीरियर की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इसका आपने एलिवेशन देख लिया होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत तर्ज में कंप्लीट किया गया। एलिवेशन पे 2 डिफरेंट टोन्स में ग्राफी की गई है। और व्यूअर्स, एक और जो मेन प्लस पॉइंट है, सेकेंड टू मेन बुलेवार्ड ये घर है। इसके घर के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर घर कंस्ट्रक्टेड हैं। आ जाते हैं अब इसके मेन गेट की तरफ, जो कि प्रॉपर लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइडेबल है, राइट साइड से बाहर की तरफ ओपनएबल है। मेन गेट के बिल्कुल बाहर कार रैंप पे टफ टाइलिंग की गई है, और लेफ्ट साइड पे घर का ग्रीन एरिया, क्यारी, लॉन, जो भी आप कह सकते हैं, अवेलेबल है। बिजली का घर में 3 फेज मीटर इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा इस एरिया में, इस लोकेलिटी में गैस, बिजली, पानी, तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। चलते हैं घर के अंदर इसके मेन कार पोर्च में। तो सबसे पहले कार पोर्च में आप एंटर होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस कार पोर्च को प्रॉपर मेंटेन किया गया है। लेफ़्ट साइड की वॉल पे और फ्रंट की जो वॉल हैं इनके ऊपर स्टोन टाइल्स का यूज़ किया गया है। राइट साइड पे प्लांटर्स भी रखे गए हैं आर्टिफिशियल ग्रास के साथ, वहाँ पे निशेज़ में डिज़ाइनिंग की गई है। फॉल सीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त क्रॉस शेप में डिज़ाइन किया गया है, और मिड में एक सिंपल सा फानूस का यूज़ किया गया है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, पानी का जो पंप है वो भी इंस्टॉल्ड है। ये आपको जो विंडो नज़र आ रही है, ये ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन विंडो है। पोर्च में पार्किंग स्पेस आप देख सकते हैं, एक बड़ी गाड़ी, 2 छोटी गाड़ियाँ एट द सेम टाइम आप अकोमोडेट कर सकते हैं। आ जाते हैं अब इसके मेन एंट्रेंस की तरफ, जो राइट साइड का डोर है अपर पोर्शन के एक्सेस का, डबल डोर मेन टीवी लाउंज के एक्सेस का है। लेफ्ट साइड का जो लाइनिंग में डोर है, हमारे पास ड्राइंग रूम की सेपरेट एक्सेस का डोर है। घर के अंदर एंटर होंगे हम इसके मेन एंट्रेंस के थ्रू। इसकी डोर की हाइट आप चेक कर लें, सिंपल और बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ मेन डोर अवेलेबल है। एंटर होते हैं घर के अंदर तो व्यूअर्स, हमें सबसे पहले इसका एक ये इसका इंप्रेशन मिलता है। राइट साइड पर आपके पास अपर पोर्शन की कम्प्लीटली सेपरेट एक्सेस है, अगर आपने रेंट आउट करना है तो इजीली आप कर सकते हैं। सामने हमारे पास बिल्कुल ओपन खूबसूरत इसका मेन किचन है। किचन से ही बैक साइड पे लॉन्ड्री की एक्सेस है। 2 मास्टर बेडरूम्स हैं वॉशरूम्स के साथ। ड्राइंग रूम का जो वॉशरूम है वो बेडरूम फर्स्ट के वॉशरूम के साथ शेयरिंग पे है। पूरे घर पे आपको बिल्कुल सिंपल और डिसेंट फ्लोरिंग पे टाइल पैटर्न मिलेगा। वॉल्स पे आपको डिफरेंट निशेज़ मिलेंगी जिनके अंदर ग्राफी की गई है। सबसे पहले इसका हम ड्राइंग एरिया विज़िट कर लेते हैं। एक डोर के साथ पार्टेड है ये, और ड्राइंग एरिया में आप आते हैं तो आपको राइट साइड पे इसकी वॉल निशेज मिल जाती हैं। फ्रंट पे वेंटिलेशन विंडोज़ हैं स्लाइड वाली, इन पे सेफ्टी ग्रिल्स इंस्टॉल्ड हैं। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी घर के अंदर इंस्टॉल्ड है। सीलिंग की हाइट काफ़ी अच्छी रखी गई है। फॉल सीलिंग की डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पर मिल जाता है इसका अटैच वॉशरूम। अच्छा, जो वॉशरूम्स हैं व्यूअर्स प्रॉपर टाइल्ड हैं, और वॉशरूम्स में भी फॉल सीलिंग जो है वो डिज़ाइन किया गया है। डोर के बैक साइड पे आपके पास इसका प्रॉपर वैनिटी सेटअप आ जाता है, और ये जो आपको लेफ्ट साइड पे डोर मिल रहा है ये बेडरूम नंबर फर्स्ट की अकोमोडेशन से बाथरूम की एक्सेस का है। तो व्यूअर्स, ये आपके पास इसका मेन ड्राइंग एरिया है। जिस पैटर्न की टाइल है उसी पैटर्न की स्कॉटिंग भी घर में यूज़ की गई है। अब यहाँ से आप आते हैं तो आपको बहुत एक यूनिक व्यू मिलता है। ऊपर आपके पास वार्म लाइट है, 2 फैंस, अंडर द स्टेयर्स आर्टिफिशियल ग्रास के साथ आपके पास फैंसी स्टोन्स के साथ वॉल जो है, फ्लोर जो है वो डेकोर किया गया। अब किचन की तरफ आते हैं तो इसकी एंट्रेंस पे 2 निशेज हैं, और फैंसी वुडन वर्क किया गया है। किचन में फ्लोरिंग पे वुडन टेक्सचर की डल टाइल्स हैं, जो कि बहुत यूनिक कलर पैलेट्स के साथ हैं, और आपके साथ पास जो किचन में लेमिनेशन शीट्स हैं उसके साथ कम्प्लीटली मैचिंग में। यहाँ पे भी आपको लेफ्ट साइड पे वुडन बॉर्डर्स के साथ वॉल निशेज मिल जाती हैं। किचन से ही बैक साइड पे आपके पास लॉन्ड्री एरिया जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, मिड का जो पैच है और जो काउंटर टॉप है वो आपके पास प्रॉपर मैचिंग में है। किचन की एंट्रेंस में और किचन में आपके पास फानूस खूबसूरत यूज़ किए गए वार्म लाइट के साथ। H.S की आपके पास सब अप्लाइंसेज हैं।
एच डॉट एस का हुड आ जाता है आपके पास, और एन जी नेस के एस का आपके पास बर्नर आ जाता है। लोअर आपके पास पास जो शीट्स हैं वो भी आपके पास प्रॉपर मैचिंग में। तो किचन से आप एग्ज़िट करते हैं, आपको बहुत ही खूबसूरत इसका ये एक व्यू मिल जाता है। अब यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त इसकी मेन मीडिया वॉल डेकोर है लोअर रैक्स के साथ, और यहाँ पे एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको दो अकोमोडेशंस मिल जाती हैं बेडरूम्स की। राइट साइड पे हम सबसे पहले बेडरूम नंबर फर्स्ट को अगर देखेंगे तो एंटर होते साथ ही काफ़ी अच्छी लेंथ में आपको मिल जाता है। टॉप पे जो फॉल सीलिंग है वो ही आपकी हाफ द वे वॉल को कवर कर रही है। इसके बैक पे वार्म लाइट्स हैं प्लस निश है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे 3D वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे भी फैंसी टाइलिंग है, वेंटिलेशन विंडो भी अवेलेबल है, 4 डोर आपके पास 3 डिफरेंट पैचेस में ओपनएबल वार्डरोब्स हैं। प्रॉपर बेस के ऊपर जो वार्डरोब है उसको रखा गया है। यहाँ पे आपके पास एक नॉर्मल साइज़ का इसका अटैच वॉशरूम है जिसमें बड़े बड़े साइज़ की फैंसी टाइलिंग की गई है। थोड़ा बहुत कंजेस्टेड आई गेस 7 मरला के लिहाज से। यहाँ पे एक वॉल हंग वैनिटी है, ऊपर इसका मिरर एरिया, सामने इसकी वेंटिलेशन विंडो। तो व्यूअर्स, इस 7 मरला घर की जो आस्किंग प्राइस है इस घर के ऑनर की तरफ से वो है 3 करोड़ 15 लाख रुपये। तो आस्किंग प्राइस जो है वो घर के ऑनर की तरफ से है और नेगोशिएबल है। आप सब देखने वालों में से अगर कोई भी क्लाइंट इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है या अगर आपने इसका फिज़िकली ऑन ग्राउंड विज़िट करना है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सेम नंबर पे व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट करके इस घर से रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह डबल ए रियल स्टेट की तरफ से आपको बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अभी आपके पास बेडरूम नंबर 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंट निशेज हैं, एक क्यूट सा छोटा सा ड्रॉ रखा गया है, ऊपर राउंड मिरर, और वॉशरूम की एंट्रेंस पे आपके पास 3 डोर ट्रिपल पैच में आपको मिल जाती हैं वार्डरोब। वॉशरूम में आपको इसका पहले ही दिखा चुका हूँ, अगेन इस वॉशरूम इस बेडरूम से भी आप इसका रिव्यू चेक कर लें। तो व्यूअर्स, 2 बेडरूम्स की अकोमोडेशन के साथ एक TV लाउंज है, एक ड्राइंग एरिया है आपके पास, एक लिविंग एरिया है और एक किचन है जिसके से आपके पास बैक साइड लॉन्ड्री की एक्सेस है। आस्किंग प्राइस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और जो मेन प्लस पॉइंट है इस घर का वो ये है, बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के पे ही एक घर है और उसके साथ बिल्कुल 2nd to main बुलेवार्ड ये घर है। लोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त है, घर आपके पास ये प्रॉपर 5 बेडरूम्स के अकोमोडेशन वाला डबल यूनिट घर है, और उसके अलावा घर के बिल्कुल बैक साइड पे आपको फैमिली पार्क मिल जाता है, मस्जिद मिल जाती है, और जो मिनी कमर्शियल है वो आपको सब कुछ ये एमिनिटीज़ जो है वॉकिंग पे मिल जाती है। अच्छा, ऊपर वाले पोर्शन में आप आते हैं तो आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट का लिविंग मिल जाता है। ये आपके पास रूम है जो कि लॉक है, थोड़ा बहुत वार्डरोब्स का काम यहाँ पर चल रहा है बेडरूम फर्स्ट। ये आपका आ गया मेन लिविंग एरिया, सामने ओपन किचन, 2 बेडरूम्स यहाँ पे, और छत की एक्सेस यहाँ से अवेलेबल है। तो इन टोटल व्यूअर्स 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, और सबसे पहले हम इसका किचन चेक कर लेते हैं। तो फॉल सीलिंग यहाँ पे भी बहुत आउट क्लास है, इसकी एंट्रेंस पे ही आपको स्टोन टाइल्स की कवरिंग के साथ एक ज़बरदस्त सा व्यू मिलता है। टॉप जो है मार्बल का आपके पास, उसके अलावा अपर एंड जो लोअर लेमिनेशन शीट्स हैं वो आपके पास सेम पैटर्न की हैं। यहाँ पे भी H.S प्लस नेस गैस की अप्लाइंसेस आपके पास अवेलेबल हैं, और काफ़ी अच्छे साइज़ का काफ़ी खूबसूरत ओपन किचन है। तो किचन से आप एग्ज़िट करते हैं तो आपको ओवरऑल अगेन ये सारा रिव्यू मिलता है। यहाँ पे भी लिविंग में 2 फैंस अवेलेबल हैं और एक छोटा सा फानूस अवेलेबल है। अब यहाँ पे सेम ग्राउंड पोर्शन वाला पैटर्न है, लेकिन जो डिफरेंस है वो फॉल सीलिंग है, और उसके अलावा वार्डरोब सेटअप का है। फ्लोरिंग पे टाइल पैटर्न भी सेम है, ये बैक साइड की वेंटिलेशन आ गई आपके पास, इसकी जो वार्डरोब सेटअप है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, और जो डिफरेंस आपके पास ये फिनिशिंग का आ जाएगा, टाइल्स का, वॉशरूम की एसेसरीज़ का और वॉशरूम की डिज़ाइनिंग का। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मिरर इंस्टॉल किया गया। तो ये था व्यूअर्स अपर पोर्शन का बेडरूम नंबर फर्स्ट, और यहाँ से आप एग्ज़िट करते हैं, अगेन सारा रिव्यू चेक कर लें। यहाँ से एक्सट्रीम राइट पे आपको मिल जाता है बेडरूम नंबर 2।
इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो थोड़ी बहुत ग्राउंड पोर्शन के बेडरूम की तरह, राइट साइड पे OTS है, सामने एक राउंड प्रोफाइल लाइट के साथ मिरर, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाता है 3 डोर ओपनएबल 3 पैचेस में डिफरेंट वार्डरोब सेटअप। अब यहाँ पे LED लाइट वाला वैनिटी मिरर है, उसके बाद आप टाइल्स चेक कर लें, प्रॉपर फॉल सीलिंग तक हैं, बहुत ही लाइटिंग के साथ आपके पास ये वॉशरूम जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे आपको वॉल हंग वैनिटी मिल जाती है, उसके अलावा ऊपर मिरर। और व्यूअर्स, जो बेडरूम नंबर 3 है जो आपके पास है, इन शॉर्ट टेरेस वाला रूम है, वो फिलहाल फॉर टाइम बीइंग लॉक्ड है। आई गेस थोड़ा बहुत वार्डरोब का वहाँ पे काम चल रहा है, उसका विजिट आप इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड कर लीजिएगा। और छत पे आपके पास एक सर्वेंट रूम है अटैच वॉशरूम के साथ, वो बिल्कुल बेसिक सा और थोड़ी बहुत सिटिंग की स्पेस डिज़ाइन की गई है, उसका विजिट आपको इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड करवाया जाएगा। तो ये थी आज की नई वीडियो, आज का नया खूबसूरत 7 मरले का एक प्रॉपर डबल यूनिट 5 बेडरूम्स के अकोमोडेशन वाला घर जिसका मैंने आपको विजिट करवाया है। और इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंशन है, ड्यूरिंग द वीडियो भी आपको शो हो जाएगा। चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।